दरभंगा में आपसी विवाद में दिन दहाड़े की गई राउंड ऑफ फायरिंग, दो घायल। दरभंगा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शहर के बीचों बीच आपसी वर्चस्व को लेकर कई राउंड ऑफ फायरिंग की गई है। वहीं इस गोलीबारी में दो लोगों को गोली लगी, जिसके बाद आक्रोशित स्थानीय लोगों ने बदमाश को धर दबोचा और जमकर पिटाई कर दी। घटना दरभंगा शहर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद की, जहां कैदराबाद चौक पर आज दोपहर लगभग 1 बजे यह घटना घटी है। जहां बताया जा रहा है कि दर्जनों की संख्या में आए अपराधियों ने पहले तो तरुण पासवान नामक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई कर दी, वहीं इसी दौरान बचाव में आए लोगों पर इन अपराधियों द्वारा गोली चला दी गई। इस दौरान अशोक यादव एवं तरुण पासवान को गोली लगी है, जिसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। हैदराबाद में जो है इमरान या घर है वहाँ पे सर्वर बुला के घर से गोली चलाया। किस पहचानते आप कौन गोली चलाया? सो नहीं पहचानते। कितना फायर गोली चला होगा? 500 राउंड चला है। क्या घायल भी है? गोली लगा मेरे पैर में। और कितने आदमी गोली लगा? तरुण भी आगे लगा ले। क्या नाम हुआ? क्या किसी तरह कोई दुश्मनी वगैरह भी कोई जानकारी है? नहीं, हम लोग को मंदिर में पूजा में बैठे हुए थे। हाँ, पूजा में बैठे हुए थे तो कुछ लड़का दौड़ के आया कि तरुण भैया को 20-25 आदमी से मार रहा है। हाँ, संरक्षण मंडल के बड़े पदाधिकारी है तो हम लोग दौड़े तो देखे एकदम बेहोशी हालत में थे। तो आक्रोशित लोग ने घेरा तो हम लोग भी पीछे। करीब 1.5 घंटे पहले सूचना मिली थी फायरिंग होने की और दो व्यक्तियों को घायल होने की सूचना मिली थी। एक व्यक्ति जिसने संभावित तौर पर गोली चलाई है उसको मारपीट करने की भी सूचना मिली थी। तत्काल सूचना पाकर थानाध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे थे, अलग से फोर्स भेजी गई, हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे। मामला नियंत्रण में किया गया, जो व्यक्ति घायल था उसको इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना के कारण का अभी तक स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। दो व्यक्ति जो घायल थे जिनको गोली लगने की बात बताई गई है, दोनों का इलाज चल रहा है, दोनों खतरे से बाहर हैं। यहाँ पर मामला कंट्रोल में है, स्थिति तनावपूर्ण थोड़ी सी है लेकिन नियंत्रण में है। यहाँ जो पूजा पंडाल के लोग हैं उन लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है, लोगों से अपील की है उन्होंने भी, और हम लोगों की भी यही अपील है कि ये दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, इसे कोई और रंग देने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पर्व त्यौहार हम लोग अच्छे से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं, बाकी कोई भी दिक्कत होती है कानून अपने हाथ में ना लें, हम लोगों को सूचना दें, पुलिस के द्वारा तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। सर, घटना में कितने लोग शामिल थे, लगभग क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कह पाना मुश्किल है, बट 3 से 6 लोगों के बीच की बात यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 3 से 6 लोग हो सकते हैं। बाकी अभी जब आगे अनुसंधान होगा, गिरफ्तारियाँ होंगी, तब विशेष तौर पर इस पर फायरिंग कितने हुई है सर, इस पर भी कुछ कह पाना अभी संभव नहीं है। कुछ लोग तो अनगिनत भी बताते हैं, कुछ लोग बता रहे हैं 4 राउंड 5 राउंड। और इस न्यूज के प्रायोजक है मेम साहब लेडीज वेयर, एड्रेस सिटी सेंटर नियर ली शोरूम, सुभाष चौक, दरभंगा। नफीसा हज एंड उमराह ट्रेवल्स, हज उमराह ज्यारत 16 अक्टूबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 10 नवंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 20 दिसंबर 2023, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। 15 जनवरी 2024, अमाउंट 95,000, दिल्ली टू दिल्ली 15 डेज सऊदी एयरलाइंस। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, गुमराह वीजा, होटल, इंश्योरेंस, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, जियारत, जमजम लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड। इस बार हज उमरा का प्रोग्राम ये है, 2 सितंबर को पहला ग्रुप जा रहा लगा 15 दिन के लिए, 16 सितंबर को वापसी होगी। 95,000 के पैकेज है और सारी सहूलत है इसमें, खाने से लेके लॉन्ड्री, इंश्योरेंस, ज्यारत, मक्के के लिए, मदीने के लिए, सब इंक्लूड है इसके अंदर। कहाँ कहाँ से लोग इसमें आते हैं? जिनको पूरे बिहार से हमारे पास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, सीतामढ़ी, पूर्णिया, सब जगह के लोग आते हैं दरभंगा के लिए। कितने वर्षों से आप कर रहे हैं ये? 15 साल हमारा हुआ, ऐसे तो हमारा 30 साल का एक्सपीरियंस है। 15 साल से ग्रुप लेके जाते हैं, साल में 5-6 ग्रुप जाता है हमारा, और साथ में हम खुद जाते हैं, सारा मेंटेनेंस रेजिमेंट हम खुद करते हैं, इसमें किसी भी